अगर आपको भी ऐसा लगता है कि परफेक्ट दाल तड़का फ्राई घर पे नहीं बन पाती बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे जैसी, तो अब बनेगी सारे डिटेल्स टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। एंड फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आपका पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोल में हम भिगाएंगे कुछ दालें। तो यहाँ पे मैंने ली है 3/4 कप तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल। साथ ही ये देखिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप ऑफ मूंग दाल छोटी वाली। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, क्रीमीनेस आती है और बाइंडिंग भी होती है। वरना सिर्फ तुअर दाल से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत पतली पतली सी लगती है। और ये देखिए साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ बस 2 से 3 टेबलस्पून चना दाल। इसका बहुत अच्छा बाइट आता है मुँह में और ये जो कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट बनता है, बहुत टेस्टी दाल बनती है। इन तीनों दालों को अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार ताकि सारी डर्ट वगैरह और डस्ट जो भी है निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो और कोई कॉम्बिनेशन की दाल भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन ये तीनों की जो है ना एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल दाल बनती है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी मसूर दाल भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया 2 से 3 बार। अब इसको हम थोड़े पानी में भिगाएंगे करीबन 1.5-2 घंटे के लिए। आप चाहें तो मैक्सिमम 1 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। तो मैंने इसे छोड़ दिया था करीबन 1 घंटे के लिए। देखिए दाल अच्छे से भीग गई है, थोड़ी सी फूल भी गई है। तो इसको अब हम ट्रांसफर कर लेंगे प्रेशर कुकर में। इसका मैंने पानी पूरा निकाल दिया है, सिर्फ दाल में ट्रांसफर कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें अब हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें सिर्फ 2 कप डालना है क्योंकि पूरा पानी हम यूज़ करने वाले हैं। तो हमको जो दाल है बहुत गाढ़ी या फिर बहुत पतली नहीं चाहिए, क्योंकि दाल अगर गाढ़ी होगी तो बाद में भी आप पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस पर डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़े से तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 से 3 लौंग, 1 टीस्पून घी। घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दाल में और साथ ही कुकर भी आपका ख़राब नहीं होगा जब सीटी बजेगी। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, 1 टमाटर मैंने काट के ऐसा डाला है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आगे तड़के में भी हम डालेंगे तो परफेक्ट रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आएगा। अब इसको ढक के हम सीटी बजाएंगे, सिर्फ 2 सीटी फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, 2 सीटी बजने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए इसका पूरा प्रेशर निकल गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं दाल की कंसिस्टेंसी एकदम दरदरा टेक्सचर का है, मतलब दाल बॉईल तो हो गई लेकिन सारी दालें आपको दिख रही है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे आपको ब्लेंडर वगैरह नहीं चलाना है। कुछ लोग कैसे प्यूरे कर देते हैं दाल को, वैसा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको परफेक्ट ढाबा स्टाइल टेक्सचर या फिर रेस्टोरेंट जैसा चाहिए ना, तो यहाँ पे जो दाल है वो थोड़ी थोड़ी मुँह में आनी चाहिए। तो इसको हल्का सा ऐसे आप स्टर कर लीजिए खाली स्पून से, आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं या फिर बस हल्का सा इसमें मंजड़ा चलाना है। ठीक है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए अब इसके लिए बनाते हैं स्पेशल तड़का। तो पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून घी, घी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल भी, आप चाहें तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी हींग, कुछ सूखी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन भी, और साथ ही कुछ हरी मिर्चें, जितना तीखा आपको पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो ये जो तड़का है ना फ्रेंड्स, मेन होता है दाल तड़का में, जब खड़ी खड़ी लहसुन अदरक और हरी मिर्ची के पीसेस मुँह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है दाल। तो चीज़ें सारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने इसे बारीक काटा है, और इसको भी पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट नहीं करना है फ्रेंड्स प्याज को, यहाँ पे आपको प्याज को ऑलमोस्ट डीप फ्राई करना है। जब हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे ना, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होने ही लगे हैं। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है। तो फ्रेंड्स, पहले भी हमने टमाटर डाले थे दाल में और यहाँ पे भी डाला है, तो इससे दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, खट्टी खट्टी दाल बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको खट्टी दाल पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे या फिर सिर्फ कुकर में ही टमाटर डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक भी मैं डाल रही हूँ, इससे जल्दी से पक जाएंगे टमाटर और इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। तो ये तड़के को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए थोड़े से सॉफ्ट हो गए टमाटर, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, पहले भी हमने हल्दी डाली है दाल में, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर,
आधा से एक टीस्पून धनिया पाउडर, बहुत ज्यादा धनिया इसमें नहीं डलता है, और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ गरम मसाला सारे फ्लेवर्स के लिए, और इसको हल्का सा पकाएंगे फिर से मसालों के साथ। और फ्रेंड्स ढाबों में क्या किया जाता है ना, भट्टी के ऊपर इसको पकाया जाता है तो साइड से थोड़ी थोड़ी फायर भी आती है जो कि अंदर जाती है इस बर्तन के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। लेकिन घबराइएगा नहीं, इसको आगे हम स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा तड़का रिजर्व करके रख रही हूँ जो कि दाल की टॉपिंग में डाल रही हूँ। मान लीजिए अगर आपको दूसरा तड़का नहीं बनाना है तो आप यही तड़का ऊपर से डाल सकते हैं। और यहाँ पे इस तड़के के ऊपर हम डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई दाल। आपको चाहिए तो थोड़ा सा पानी भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको मिक्स करके पकाएंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे लो मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिए अच्छे से करने के लिए करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि वो रस बस जाए तड़के के साथ। और फ्रेंड्स दाल जैसे आपको पसंद हो, थोड़ी गाढ़ी पतली, आप यहीं पे पानी एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो रेस्टोरेंट और ढाबे वाली दाल होती है ना, हल्की सी गाढ़ी होती है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी गाढ़ी दाल ही बना रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी, तो अब इसके टेस्ट को दुगना तिगना करने के लिए हम बनाएंगे एक और बढ़िया सा तड़का। तो यहाँ पे मैंने लिया है तड़का पैन में 1 टेबलस्पून घी, जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के बारीक कटा हुआ लहसुन और थोड़ा सा जीरा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जैसे कि गार्लिक अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ सूखी लाल मिर्चें और लाल मिर्ची पाउडर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साइड से थोड़ी सी फायर अंदर भी आ रही है, इसको फ्लैम्बे कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा करने से इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, लेकिन इसको और स्मोक देने के लिए मैं आपको आगे एक और प्रोसीजर बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो एंड तक के देखिएगा। इसको क्या करेंगे, हम तुरंत दाल के ऊपर डाल देंगे, तो मैं थोड़ा सा इसका भी रिजर्व करके रख रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और तुरंत से पैन का ढक्कन लगा देंगे ताकि जो भी फ्लेवर है लहसुन वगैरह का वो उसमें ही रह जाए, इसकी जो स्मोक है, इसकी जो खुशबू है लहसुन की, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। और 2 मिनट के बाद लेट हटा के चेक कर सकते हैं, देखिए दाल तो रेडी है, लेकिन इसको हम देंगे बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पे मैंने कोयला गरम करने के लिए रख दिया था, और जब ये अच्छे से एकदम हाई हीट पे गरम हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, दाल के बीच में छोटी सी कटोरी या फॉइल रख के इसके ऊपर एक कोयले को प्लेस कर देंगे, और ऊपर से डाल देंगे 2 टीस्पून घी या फिर तेल। और ये देखिए जैसे ही स्मोक निकलने लगेगी इसके ऊपर हम रख देंगे इसका ढक्कन, ताकि जो पूरा स्मोक है वो इसके अंदर ही चला जाए, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा स्मोक खत्म होता है तब तक हम क्या करेंगे, पैन में हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी, जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा, आप चाहें तो शाही जीरा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 1 कप पहले से बॉयल किया हुआ बासमती चावल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और जल्दी जल्दी से इसे टॉस कर लेंगे। तो चावलों को मैंने 90% तक के पकाया था, इसको जल्दी जल्दी टॉस कर देंगे और इसे ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो ये हमारा फटाफट जीरा राइस तैयार हो गया है, और चलिए अब बढ़ते हैं परोसने की तरफ। तो दाल को परोसेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा और रिजर्व तड़का, जो कि पहले वाला और ये दूसरा वाला भी। आपको चाहिए तो ऊपर थोड़े से जिंजर जूलियंस, हरी मिर्ची और अदरक के पीसेस भी डाल सकते हैं, और गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए जीरा राइस के साथ।